Hello, my dear students, how are you? I'm sure you must be in very high spirits. तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक. और आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज गिवन बाई, ये हमने प्रूव किया था जब ओम्स लॉ को मैंने डिड्यूस किया था, तो उसमें मैंने प्रूव किया था दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाई आर इक्वल टू एम over n e square tau into l by a, where m equal to mass of each electron, l equal to length of the given conductor, a equal to area of cross section of the given conductor, n equal to number density of free electrons in the conductor, that means the number of free electrons per unit volume of the given conductor, e is the magnitude of charge on each electron, and that is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Tau is the average relaxation time of free electrons in the conductor as they get drifted from its negative end towards its positive end under the influence of the applied electric field, that is the electric field which gets established across it when a potential difference is applied across its ends. अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो R जो है, R का फार्मूला जो है, m is the mass of each electron, that is constant, e the charge on electron is constant, for a given conductor its length is constant and area of cross section is constant, और इन पे टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता. n इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एंड इट आल्सो रिमेंस कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर. इसका मतलब सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, सिर्फ एक फैक्टर जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या मीन रिलैक्सेशन टाइम tau, वो वेरी करता है टेम्परेचर से. क्यों करता है वो भी हम अभी देखेंगे. लेकिन हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन for resistance of a conductor, it is only the relaxation time which varies. और क्योंकि ये नीचे denominator में आया, that means the resistance R of a conductor is inversely proportional to the average relaxation time of free electrons in the given conductor. अब हम देखेंगे कि temperature बढ़ाने से tau पे क्या effect पड़ता है. So when the temperature of a metallic conductor is raised, जब हम किसी तरीके से किसी मेटेलिक कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, या वैसे जब करंट हम पास करते हैं किसी कंडक्टर में से, तो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, उसके कारण भी उसमें हीट पैदा होती है जिससे उसकी टेम्परेचर राइज करती है. तो इससे एक तो जो एटम्स हैं जिन या आयंस हैं जिनसे मिलके बना वो कंडक्टर, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशंस विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि उनकी अपनी मीन पोजीशंस के दोनों तरफ वाइब्रेट करने की एम्पलीट्यूड ही बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है. फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय देम इंक्रीजेस. और दूसरे जो उनकी थर्मल स्पीड है, यानी कि थर्मल वेलोसिटी है, वो भी इंक्रीज करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. तो इन दोनों कारणों से जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है जिसके कारण द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम द नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. और जब वो ऐसे ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द फिक्स्ड मेटल एटम्स और आयंस. अब जब टेम्परेचर बढ़ती है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड पर सेकेंड अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद अ फिक्स्ड मेटल एटम्स और आयंस इंक्रीजेज. इसका मतलब ज़्यादा कोलिजन होते हैं, जल्दी जल्दी कोलिजन होते हैं, और जब ज़्यादा कोलिजन होंगे पर सेकेंड, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजंस, वो कम हो जाएगा. दैट मींस किसी कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ने से
जो टाओ है, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, वो डिक्रीज़ करता है। और अगर वो डिक्रीज़ करता है तो क्योंकि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाओ, तो टाओ कम होगा तो आर ज़्यादा होगा। सो रिमेंबर, आर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। और ये मैंने कई बार एक लाइन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक नंबर में कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और जब मैं कंडक्टर कहता हूँ तो इसका मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से चार्ज बड़ी आसानी से फ्लो करता है, और ऐसे मटेरियल होते हैं मेटल्स। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। तो आपने कहना द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और ए मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर आपसे वो पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो आपने कहना क्योंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कम होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज देयर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। सो रिमेंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। नाउ इट हैज़ बिन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है, आर टी इक्वल टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर, वेयर आर जीरो मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट जीरो डिग्री सी, दिस इज आर जीरो। आर टी जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं उसकी फ्रॉम जीरो टू टी, तो आर टी उसका रेजिस्टेंस है एट टी डिग्री सी। तो इसका मतलब राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया, राइज इन टेम्परेचर जीरो टू टी, सो टी माइनस जीरो इक्वल टू टी डिग्री सी, दैट इज द राइज इन टेम्परेचर। और ये अल्फा और बीटा जो मैंने लिखे हैं दे आर कॉन्स्टेंट्स whose values vary from metal to metal, that means they have different values for different metallic conductors। और एक बात याद रखनी है आपने कि बीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। सो रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट बीटा इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ अल्फा। नाउ अब इसमें अल्फ़ा टी आया और बीटा टी स्क्वेयर आया, बीटा की वैल्यू बहुत थोड़ी है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। और अगर राइज इन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना हो, जो कि अक्सर होता है जब हम मान लो किसी कनेक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसकी टेम्परेचर बढ़ती है, तो वो जो टेम्परेचर बढ़ती है कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। इसका मतलब जब टी दी राइज इन टेम्परेचर इज़ स्मॉल, अब बीटा की वैल्यू बहुत थोड़ी है, और अगर टी भी बड़ा थोड़ा होगा तो टी स्क्वेयर की वैल्यू भी थोड़ी होगी। तो इसका मतलब जो बीटा टी स्क्वेयर फैक्टर है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, ये इतनी कम होती है कि दैट कैन बी निगलेक्टेड। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इफ़ द राइज इन टेम्परेचर दैट इज़ टी डिग्री सी इज़ नॉट लार्ज विच इज़ सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देन द टर्म बीटा टी स्क्वेयर मे बी निगलेक्टेड एंड देयर फोर इक्वेशन टू जो मैंने पहले लिखी है जिसमें मैंने क्या लिखा आर टी टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर, उस इक्वेशन में हम बीटा टी स्क्वेयर को छोड़ देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी आर टी टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा टी। सो दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर चेंजेस। हियर आई रिपीट, आर जीरो इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर एट जीरो डिग्री सी, आर टी इज इट्स रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सी, एंड अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट जिसका नाम होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रिमेंबर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अब हम इसकी डेफिनेशन देंगे। ये जो इक्वेशन थ्री मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ से मैं राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट खोलता हूँ तो आ जाएगा आर टी क्रू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी। सो ये इक्वेशन बन गई आर टी क्रू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी। अब आर जीरो मैं लेफ्ट साइड पे ले आया तो आ जाएगा आर टी माइनस आर जीरो, और इसको मैंने लिख दिया राइट साइड पे आर टी माइनस आर जीरो, और ये जो आर जीरो अल्फा टी है इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, आर टी माइनस आर जीरो को राइट साइड पे लिख दिया, और इसको therefore alpha equal to RT minus R0। ये मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ये आर जीरो भी नीचे आ गया और T भी नीचे आ गया, सो therefore अल्फ़ा आ गया RT minus R0 over R0 into T।
Now what is R0? Resistance of the conductor at 0 degree C. RT is resistance at T degree C. So RT minus R0 is the increase in resistance of the given conductor. Or denominator mein kya aaya? R0, which is the original resistance at 0 degree C. And what is T? That is the rise in temperature. Kyunki hum yahan pe maan ke chale hain ki temperature rise karti hai from 0 to T degree C. So therefore T degree C is the rise in temperature. अब देखो कैसे याद करते हैं, समझ समझ के याद करना है. ये right side पे क्या आया? Increase in resistance. Over आ गया original resistance और नीचे आ गया rise in temperature. तो अगर मैं rise in temperature 1 degree C ले लूँ, original resistance भी 1 ले लूँ, तो फिर alpha आ गया increase in resistance over 1 into 1. That means alpha equal to increase in resistance. तो फिर क्या बन गई डेफिनेशन अल्फा की? Therefore the temperature coefficient of resistance of a conductor may be defined as the increase in resistance per unit original resistance. Per unit क्यों कहा? क्योंकि मैंने R0 अभी आपको बताया कितना लिया, 1. Per degree rise in temperature. और per degree rise in temperature क्यों कहा मैंने? क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कि अगर राइज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सी ले लें, ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी हम 1 ले लें, तो नीचे 1 इंटू 1 1 ही आ गया. सो अल्फा आ जाएगा इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. सो देयरफॉर जो कुछ हमने यहाँ पे किया वही वर्डिंग में लिख दिया और डेफिनेशन हमारी बन गई, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. अब हम इसके यूनिट्स पे आते हैं. तो अल्फा के यूनिट होंगे जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस के हैं ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, इन नीचे आएगा इनटू राइज इन टेम्परेचर के. अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस के तो रेजिस्टेंस वाले होंगे, वो आपस में कैंसिल हो गए, तो नीचे सिर्फ रह गए राइज इन टेम्परेचर वाले, वो टेम्परेचर वाले होंगे. यानी कि अगर एस आई में लेंगे तो केल्विन हो गए, अगर सी जी एस में लेंगे तो डिग्री सी हो गए. सो अल्फा के यूनिट आगे 1/केल्विन और 1/डिग्री सी. तो 1/केल्विन को मैं लिख सकता हूँ के रेज टू दी पावर माइनस 1 और 1/डिग्री सी को लिख सकता हूँ डिग्री सी रेज टू दी पावर माइनस 1. सो रिमेंबर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर पर केल्विन और पर डिग्री सी. अब डाइमेंशंस अल्फा की क्या आएंगी? अभी जो ऊपर मैंने फार्मूला आपको बताया इसमें अल्फा किसके बराबर है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर. तो अल्फा की डाइमेंशंस होंगी जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की हैं, यानी कि रेजिस्टेंस वाली ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वो भी रेजिस्टेंस वाली हो गई, वो आपस में कैंसिल, तो सिर्फ नीचे बच गई 1/टेम्परेचर की. और टेम्परेचर की आपको पता डाइमेंशन होती है के, तो 1/के रेज टू दी पावर 1 आ गया, और ऊपर ले जाएंगे तो के रेज टू दी पावर माइनस 1 आ गया. और क्योंकि मास नहीं आया, लेंथ नहीं आई, टाइम नहीं आया, तो हम लिख देंगे द डाइमेंशंस ऑफ अल्फा आर एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो के माइनस 1. ये जो बन गया ना एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो के माइनस 1, इसको मैं कह सकता हूँ डाइमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. लेकिन अगर वो पूछे कि इसकी डाइमेंशंस क्या हैं, तो जैसे मैं आगे भी आपको बताता आ रहा हूँ, हम बोलेंगे ज़ीरो इन मास, ज़ीरो इन लेंथ, ज़ीरो इन टाइम एंड माइनस 1 इन टेम्परेचर. नाउ रिमेंबर फॉर मेटल्स, कोई भी मेटल जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, कोई भी मेटल हो, ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स. और अगर आपको पूछे व्हाई आर दे वेरी गुड कंडक्टर्स, तो आपने कहना क्योंकि उनमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज द करंट कैरियर्स. सो रिमेंबर द गुड कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम. और बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर. लेकिन कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी मेटल हो, उसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव. सो रिमेंबर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स. अब देखिए ये जो मैंने फार्मूला लिखा ऊपर आर टी इक्वल टू आर ज़ीरो इंटू 1+अल्फा टी जो फार्मूला लिखा है, ये वाला फार्मूला, इसमें अगर अल्फा पॉजिटिव हो तो आर टी आ जाएगा आर ज़ीरो इंटू 1+अल्फा टी पॉजिटिव. इसका मतलब ब्रैकेट में एक से कुछ ज़्यादा आ जाएगा. और जब हम आर ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे विद समथिंग ग्रेटर देन 1, तो जवाब आंसर जो है वो आर ज़ीरो से ज़्यादा आ जाएगा. दैट मीन्स आर टी विल बी ग्रेटर देन आर ज़ीरो
and therefore we come to the conclusion that the resistance of metals or metallic conductors increases with the increase in their temperature. Or for insulators and for semiconductors, आपको पता है, मैंने बताया था आपको, insulators वो material होते हैं which do not allow the charge to pass through them easily. और semiconductor वो होते हैं जिनकी conductivity लाई करती है इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इनफैक्ट जो इंसुलेटर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और मेटल्स की या कंडक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. और सेमीकंडक्टर्स की दो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन. इनके बारे हम लास्ट चैप्टर में काफ़ी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज़ नेगेटिव. और अगर अल्फा इनके लिए नेगेटिव है तो आर टी आ जाएगा आर जीरो इंटू वन प्लस माइनस माइक. जब अल्फ़ा नेगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी जाए इंटू टी, तो ये जो ब्रैकेटों में ये जो क्वांटिटी आएगी इट विल बी लेस देन वन एंड देयरफॉर आर टी लेस देन आर जीरो. सो रिमेंबर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट दैट ऑफ insulators and semiconductors decreases with increase in temperature. ये भी बड़ा important question है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि what is the effect of temperature on the resistance of germanium. अब जिस बच्चे को पता है कि germanium is a semiconductor and the resistance of semiconductors decreases with increase in temperature, क्यों ऐसा होता है? Because the temperature coefficient of resistance for semiconductors is negative. और एक बात और आपने याद रखनी है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अलॉयज होते हैं लाइक यूरेका, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन, इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर दीज अलॉयज. और अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी थोड़ी है तो आर टी टू आर ज़ीरो इंटू वन प्लस अल्फ़ा की जब वैल्यू बहुत कम पुट करेंगे और टी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो अल्फ़ा टी की वैल्यू जो है दैट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. इसका मतलब आर टी लगभग आर ज़ीरो के बराबर ही होगा, बहुत कम अंतर आएगा. सो रिमेंबर फॉर दीज अलॉयज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर देयर रेजिस्टेंस does not change appreciably with temperature, and that is why these alloys are used for making standard resistance coils. हम जो standard resistance बनाते हैं, जो standard है resistance, किसको कहेंगे standard? जिसकी value में कोई फर्क नहीं आना चाहिए with temperature, pressure, etc. तो क्योंकि इनके अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है तो टेम्परेचर में थोड़ा फ़र्क भी आ जाए, काफ़ी फ़र्क भी आ जाए, तो इनके रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स. और वो कहाँ यूज़ करते हैं, आप देखेंगे प्रैक्टिकल करते वक्त कि एक बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं एक ओम का, दो ओम का, पाँच ओम का, दस का, ऐसे 5000 ओम तक के रेजिस्टेंस होते हैं, वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी वैल्यू पे टेम्परेचर बदलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मान के हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो इसलिए उनमें जो हम कॉइल्स या वायर्स यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए वो हम इन अलॉयज की करते हैं, यानी कि यूरेका, मैंगनीन and constantan. Then the value of alpha is different at different temperature. ये बात ही बड़ी important है, ये किसी भी given metal के लिए भी alpha की value सभी temperature पर same नहीं होती, it is different at different temperatures. अभी मैं next एक point बताऊँगा आपको which is based on this fact or reality. लेकिन उससे पहले मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, जिसका 0°C पर रेजिस्टेंस R0 है और T1°C पे है R1. तो जो फार्मूला भी मैंने आपको बताया कि आर टी इक्वल आर ज़ीरो इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी, वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आ जाएगा R1 इक्वल आर ज़ीरो इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी वन, क्योंकि आर टी की जगह R1 आ गया, R0 है ही है, इंटू वन प्लस अल्फ़ा भी आना ही है और टी की जगह T1 आ गया. और मान लो उसी
कंडक्टर का टी टू डिग्री सी पे रेजिस्टेंस है आर टू, देन आर टू विल बी इक्वल टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा टी टू, एंड देयर फोर आर वन ओवर आर टू इक्वल टू वन प्लस अल्फा टी वन ओवर वन प्लस अल्फा टी टू। सो ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल्स करने में हम बहुत यूज़ करते हैं, कई बार वो हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है और वो कहता है कि बताओ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो इसका मतलब हमें टी वन दे देगा, टी टू दे देगा, आर वन दे देगा, आर टू दे देगा, अल्फ़ा निकालना है तो हम ये सीधा ही फार्मूला यूज़ करेंगे आर वन ओवर आर टू इक्वल वन प्लस अल्फ़ा टी वन ओवर वन प्लस अल्फ़ा टी टू, सभी वैल्यूज पुट करके हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए भी ये देखो फार्मूला मैं आपको एक और बता रहा हूँ, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आर वन इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी टू, और जब आर वन को वन प्लस अल्फ़ा टी टू से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आर वन प्लस आर वन अल्फ़ा टी टू, और राइट साइड पे आ जाएगा आर टू इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी वन, ये ब्रैकेट खोलोगे तो आ जाएगा आर टू प्लस आर टू अल्फ़ा टी वन। अब आप ऐसा करो, ये आर वन अल्फ़ा टी टू इस तरफ रखो और आर टू अल्फ़ा टी वन इस तरफ ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा, और आर टू राइट साइड पे पॉजिटिव है ही है और आर वन क्योंकि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है राइट पे पॉजिटिव है तो राइट पे ले गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखो लेफ्ट साइड पे अल्फ़ा कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, अल्फ़ा इंटू आ जाएगा आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन, और राइट साइड पे आ जाएगा आर टू माइनस आर वन, ये इक्वेशन आ जाएगी अल्फ़ा इंटू आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, देयर फॉर अल्फ़ा इक्वल टू ये नीचे ले जाओ तो आ गया आर टू माइनस आर वन ओवर आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन। अगर हमें आर वन दिया, आर टू दिया, टी वन दिया, टी टू दिया, वैल्यूज पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके यूनिट जैसे मैंने बताया वो पर केल्विन लिखेंगे या पर डिग्री सी लिखेंगे। और एक पॉइंट और याद रखना आपने, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है इवन फॉर ए गिवन मेटल इज़ नॉट द सेम एट ऑल द टेम्परेचर्स, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, और इसकी जो एवरेज वैल्यू है बिटवीन टू टेम्परेचर्स टी वन डिग्री सी एंड टी टू डिग्री सी इज़ गिवन बाई अल्फ़ा इक्वल टू, दिस इज़ द वैल्यू एवरेज ओवर टेम्परेचर्स टी वन डिग्री सी टू टी टू डिग्री सी, अल्फ़ा इक्वल टू आर टू माइनस आर वन ओवर आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन। तो याद रखो कई बार वो कहता है आर वन दे देगा, आर टू दे देगा, टी वन दे देगा, टी टू देगा, तो कहेगा व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अगर वैसे पूछी है अल्फ़ा की वैल्यू तो ये वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना, अगर एवरेज वैल्यू अल्फ़ा पूछी है फिर आपने यूज़ करना आर अल्फ़ा इक्वल टू आर टू माइनस आर वन ओवर आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन। अब इसको भी थोड़ा आगे हम करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, राइट साइड पे आर टू माइनस आर वन ऊपर, उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया और राइट साइड पे क्या आ गया अल्फ़ा इंटू, ये देखिए आर वन इंटू अल्फ़ा इंटू टी टू माइनस टी वन, और ये आर वन दूसरी साइड पे ले जाओ तो आ जाएगा और आर टू इक्वल टू आर वन प्लस आर वन अल्फ़ा इंटू टी टू माइनस टी वन। अब देखिए राइट साइड पे ये आर वन कॉमन आ गया एंड देयर फोर आर टू विल बी इक्वल टू आर वन प्लस वन इंटू वन प्लस अल्फ़ा इंटू टी टू माइनस टी वन। सो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है दिस इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको एवरेज वैल्यू अल्फ़ा दे रखी है तो फिर हम ये वाला फार्मूला, इनफैक्ट ये फार्मूला और जो ऊपर मैंने लिखा है वो सेम है, लेकिन वो जो उसके ऊपर फार्मूला है विच इज़ ऑफकोर्स ये वाला जो फार्मूला अल्फ़ा इक्वल टू, ये तब यूज़ करना है जब अल्फ़ा की वैल्यू एवरेज नहीं लिखा हुआ, और जब एवरेज लिखी है फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है या ये जो लास्ट में लिखा मैंने फार्मूला ये यूज़ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन वीडियोस का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।